हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8. 7 तक हमारे हो चुके थे. क्वेश्चन नंबर 8, ओके. रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मींस सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा. हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं नंबर्स, ओके. सबसे बड़े नंबर्स दिए गए हैं, देखिए आप यहाँ पे 7, 3, 2, 9, 3, 7, 3, 9, 2, 3, 3, 7, 9, 2, 3, 3, 7, 2, 9, 3, 7, 3, 3, 9, 2. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है. तो हम कैसे सेट करेंगे देखेंगे आप. फर्स्ट डिजिट लेंगे 7, 73, 73, 37, 37, 73. तो दीज नंबर आर सेम. 70, 73, इनको हम हटा देंगे. 70 छोटा नंबर क्या है, 37. दोनों में आप देंगे यहाँ पे भी 37 है, यहाँ पर 37 है. तो अपन क्या करेंगे, थर्ड डिजिट्स मैच करेंगे. थर्ड डिजिट क्या है इसका, 9 और इसका 2. तो स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ, ये वाला. तो हम पहले लिखेंगे 37,293, देन वी राइट 37,923. उससे बड़ा क्या होगा, लेट्स वी सी. फर्स्ट में आएगा 37,293, उससे बड़ा नंबर है 37,923, उससे बड़ा है 73,293, उससे बड़ा है 73,392 एंड द लास्ट बिगर नंबर इज 73,923. सेम है बी में भी, आपको ऐसे ही करना है. सबसे छोटा नंबर हमको मैंने फाइंड आउट किया है 1,03,456. नेक्स्ट है 1,23,546. नेक्स्ट है 1,23,564. नेक्स्ट 1,23,654 एंड द लास्ट बिगर नंबर इज 1,32,456. ओके, ये मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स गिवन है, अपन ने इनको अरेंज करके यहाँ पे लिखा है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग, असेंडिंग में तो हमने छोटे से बड़ा लिया था, अब डिसेंडिंग में राइट ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर. ओके, अब आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन है, वो भी आपको अरेंज करना है. फर्स्ट वाला देखेंगे हम, ए नंबर में 43731 इज द ग्रेटर नंबर, 43317 इज द स्मॉलर नंबर, 43137 इज अ स्मॉलर नंबर. देन वी राइट 34371. देन सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 34173. सबसे बिगर, बिगर टू स्मॉलर डिसेंडिंग में, और असेंडिंग में स्मॉलर टू बिगर. ओके, बी वाले में भी सेम एज है, 5,64,209. देन वी राइट 5,46,290. देन अगेन वी राइट 5,46,209 एंड द लास्ट स्मॉलर नंबर इज 5,46,029. ये हमको सबसे बड़ा नंबर हमने पहले लिया है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा. असेंडिंग में छोटे से बड़ा लेंगे और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नाउ 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 0, 4, 9, 6 ईच ओनली वंस. आपको ये नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपको इन नई नंबर्स से स्मॉलर नंबर भी बनाना है और ग्रेटर नंबर भी बनाना है. ओके, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में. जैसे भी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे हम 1. जीरो से स्टार्टिंग नंबरिंग नहीं होती है, स्टार्टिंग से हमें 1 से ही करनी है. जीरो स्मॉलर नंबर है, लेकिन स्मॉलर नंबर बनाने के लिए हम जीरो से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं. ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें क्या, हमारा क्या बना, 1, 0, 2, 4, 6, 9. ठीक है, 1 से छोटा नंबर 0, 0 से छोटा 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9. ओके, अब ग्रेटर नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको नंबर अरेंज करने हैं. सबसे बड़ा नंबर पहले लिया 9, 6, 4, 2, 1, 0, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, मिल गया हमें. स्मॉलेस्ट में हमें 0 अगर नंबर गिवन भी है तो भी हमें 0 से नहीं बनाना है, क्योंकि स्मॉलर नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं. कोई सा भी डिजिट 0 से स्टार्ट नहीं होगा, उसको हम भले स्मॉलर नंबर 1 के बाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टार्टिंग हम 0 से नहीं करेंगे, उसको हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे. 1 के बाद हम विपुट 0. ओके, और ग्रेटर नंबर में अगर हमको बनाना है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे नंबर, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा.
टुडे इज योर एक्सरसाइज नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. 1 लाख, 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? 100,000. या ओके, या ध्यान रखना है 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? 100,000. नेक्स्ट बी 10,000, कितने हंड्रेड्स होते हैं 10,000 में? हंड्रेड्स. सी में 1 लाख में कितने हंड्रेड्स होते हैं? 1,100. डी 1,000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं? 10 हंड्रेड्स. ये चारों चीज़ें आपको बहुत ही समझ के याद रखना है, क्योंकि ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा. ओके, सो टुडे विल एक्सरसाइज नंबर 1 इज कंप्लीट. नाउ डू रिमेनिंग क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड राइट इन योर कॉपी, फेयर कॉपी, मैथ्स फेयर कॉपी में भी आपको वर्क करना है. राइट नीट एंड क्लीन वर्क एंड बुक एक्सरसाइज ऑल्सो. ओके, हरे कृष्णा, हैव अ ग्रेट डे.